आप लोग वहां से देख सकते हैं। भाई किस तारीख हो गई? मैं आज का सेशन पूरा व्लॉग में कवर अप नहीं कर पाया। हाँ जी किदा की हाल चाल? आपा बढ़िया, उम्मीद करते हैं तो सी भी सारे बढ़िया हो गए। सो गाइस, आज डेट है 21 सितंबर और टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे। हाँ भाई लेट हो गया आज, मेरे को पता है। मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी बहन बाहर से आई हुई है, तो हम लोग सुबह से बैठे सिर्फ बातचीत करने में लगे हुए थे। तो विद दैट्स इट, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी 1 बजे, भाई धूप तो नहीं हो रही है बट गर्मी हो रही है, और मैं अभी जा रहा हूँ DIY, और मेरे को जाना है शायद एडिडास स्टोर जाऊँगा क्योंकि मेरी बात हुई थी स्टोर के ओनर से, तो उनके पास कंप्लीशन वेयर में और कलर्स आ चुके हैं। तो एक टी शर्ट उठाते हैं कंप्लीशन वेयर में, DIY में कुछ पसंद आया तो वो उठाते हैं। और तीसरी चीज़, जाने से पहले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, मेरे को अनार खाने हैं, क्योंकि अगर मैंने अनार नहीं खाया तो मम्मी बहुत मारेंगी कि मैंने कल भी नहीं खाए थे, कल रात में मम्मी ने बहुत गुस्सा किया था। तो पहले ये खत्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर हमने क्या क्या लिया या क्या क्या किया। विद दैट सेड, चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ DIY, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी टी शर्ट चेंज हो चुकी है। तो भाई उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि बाहर बारिश हो रही थी तो मैं भीग गया, तो इस वजह से मेरे को टी शर्ट चेंज करनी पड़ी। अभी देखते हैं यहाँ से क्या लेते हैं, और इसके बाद मेरे को जाना है एडिडास, वहाँ पे मेरे को एडिडास या स्पोर्ट्स नेशन दोनों में से देखते हैं कि जहाँ पे कंप्रेशन वेयर की अच्छी टी शर्ट मिली ब्लैक कलर के सिवा, तो वो उठाते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या लेना है, कुछ कार एसेसरीज या फिर कुछ और। सो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैं जस्ट अभी घर आ चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। भाई दोनों जगह DIY में और एडिडास में स्टॉक तो था, बट स्टिल वही चीज़ कि पसंद कुछ नहीं आया तो इस वजह से कुछ नहीं लिया। और अभी मैं मील लूँगा ऊपर जाके, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, टाइम हो रहा है दोपहर के 3, और शाम को होने वाला है मेरा बाइसेप और ट्राइसेप का सेशन, तो पूरा कवर अप करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा, मेरे को एक रील भी वो यूट्यूब पे शॉर्ट भी अपलोड करना है। इसके बाद मैं मिलूंगा आप लोगों से सीधे शाम को जिम। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जस्ट अभी अभी जिम आया हूँ। आज के दिन मैं कंपैरेटिवली आधा घंटा पहले आ गया हूँ। द रीजन बीइंग, यार घर पे फ्री था, कुछ था नहीं करने को, एंड सेकेंडली आज मेरे को कार्डियो भी करना है, तो पहले कार्डियो करेंगे हाफ एन आवर, उसके बाद फिर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा ट्रेडमिल पे, देन उसके बाद फिर वर्कआउट कवर अप करेंगे। आज होने वाला है आर्म्स का सेशन, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चलिए लेट्स स्टार्ट एंड मिलते हैं आपको सीधा कार्डियो करते रहेंगे। तो गाइस, जस्ट फिनिश विद द कार्डियो, 15 मिनट का मैंने कार्डियो किया। अब आर्म्स का भी मैंने स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लिया। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आर्म्स की पहली एक्सरसाइज, जो कि हम वीडियो में साथ के साथ ही कवर अप करेंगे। सो लेट्स गो, स्टे ट्यून्ड, चलिए शुरू करते हैं। Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. So guys, I know मैं आज का सेशन पूरा व्लॉग में कवर अप नहीं कर पाया। The only reason being, सुधांशु भाई और अर्पित भाई को जल्दी जाना था, उनके गणेश चतुर्थी से रिलेटेड आरती और पूजा वगैरह थी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि पीयूष भाई मेरे व्लॉग्स में क्यों नहीं आ रहे, तो गाइज उसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि पीयूष भाई का वर्कआउट थोड़ा सा अलग चल रहा है और वो शाम को थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो वो आजकल सुबह वर्कआउट कर रहे हैं। बस यही रीज़न है कि जिस वजह से वो मेरे व्लॉग्स में नहीं आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीक से सब रूटीन सिमिलर हो जाएगा और वो भी शाम को आने लगेंगे, तो वो मेरे व्लॉग में दिखने लगेंगे नेक्स्ट वीक से। और यार मैं व्लॉग्स में पूरी एक्सरसाइजेस कवर इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि यार कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, तो ये थोड़ा सा एक इशू आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेस करी वो सुपर सेट में करी, कैसे करी, मैं हर एक्सरसाइज के 4 सेट करता हूँ, रिपीटेशन 12 से 15 रहती हैं। मैं ये ब्लॉग खत्म करते ही उसकी एंड में एक लिस्ट डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और यार आई अश्योर यू वन थिंग, नेक्स्ट वीक मैं ये सारी एक्सरसाइजेस एक डेडिकेटेड आर्म्स डेडिकेटेड वीडियो मैं एक नेक्स्ट वीक में आपके लिए डाल दूंगा। अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ब्लॉग छोटा रह गया है। आपने अगर ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ यार लाइक करके जरूर जाना, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जरूर जाना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार इस मेहनत के लिए प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके जरूर जाना। विद दैट सेड, आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। इसी के साथ हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, एंड में वर्कआउट आर्म्स का मेरा वर्कआउट देखते हुए जरूर जाना। Do what it takes, I ain't making mistakes like that.